हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट में लाइफ में हैप्पी होना है या सक्सेसफुल होना है इन करेंट टाइम्स में, जहाँ चारों तरफ इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, द ओनली थिंग दैट कैन कीप यू अफ्लोट इज़ होप। सो चाहे सक्सेस इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, हैप्पीनेस इन द पर्सनल रेम ऑफ थिंग्स हो, यू नीड द पावर ऑफ होप। एंड लेट मी शेयर अ स्मॉल स्टोरी। पर्शिया में देयर वॉज अ किंग, एंड उसने ऑर्डर किया कि ये दो जो क्रिमिनल्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, दे विल बी हैंग डन टू डेथ, उन्हें कल फांसी की मौत मिल जाएगी। उसमें से एक प्रिजनर ने कहा कि राजा साहब, आपका ये घोड़ा तो आपको बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट घोड़ा है, मेरे पास एक विद्या है जिसके वजह से मैं इसको उड़ाना सिखा दूँगा, अगर आप मेरे को 6 मंथ दें। राजा गॉट सुपर एक्साइटेड कि वाव, अ हॉर्स विच कैन फ्लाई, दिस विल मेक हिम यूनिक एज अ किंग इन द वर्ल्ड। एंड उसके वजह से राजा ने बोला, ठीक है, आई एम गिविंग यू 6 मंथ्स। तो जो दूसरा प्रिजनर्स ना, उसने बोला कि अरे यार, ये तो क्या, दिस इज लाइक एब्सोल्युटली आउटराइट लाई, ऐसा खुड़ी ना कोई ट्रिक होता है कि ये कोई घोड़ा उड़ने लग जाए। बोला, देख, ऐसा है, 6 मंथ्स है मेरे पास, अब 6 मंथ्स में ये भी हो सकता है कि घोड़ा अपने आप नेचुरल डेथ हो जाए घोड़े की, तो आई एम स्कॉट फ्री, हो सकता है राजा ही मर जाए 6 मंथ्स में, राजा बूढ़ा हो ही चुका है। द थर्ड थिंग इज कि हो सकता है कि मैं ही मर जाऊँ, एंड दैट लीज दैट इज़ फार मोर ऑनरेबल देन हैंगिंग ऑन टू डेथ। एंड द फोर्थ थिंग इज कि हो सकता है घोड़ा उड़ ही जाए, रिमोट पॉसिबिलिटी, बट ऐसा हो ही सकता है। एंड इन द वर्स्ट केस चारों पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट फिर भी मैं 13 से तो 6 महीने ज़्यादा जीऊँगा ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, हैप्पी इन द पर्सनल वर्ल्ड, एंड ओवरऑल मेक योर लाइफ यू नो एन एनरिचिंग लाइफ। बिकॉज आज के डेट में आप चारों तरफ देखेंगे बहुत पेसिमिज्म रहेगा। सो लेट्स से केस इन पॉइंट, जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था 2003 की बात है, लॉन्ग बैक, मैं साइंस से शिफ्ट हुआ था कॉमर्स में। मेरे पास ये प्रॉब्लम था कि मेरे पास कोई विंटेज नहीं था इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास क्लास 12 में 95% इन कॉमर्स है, अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ 11-12 में, एंड आई वुड हैव टू कॉम्पीट विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकटा, जो मतलब था ना कि भी ये डॉन बॉस्को पार्क सर्कस का टॉपर है, डॉन बॉस्को लिलुआ का टॉपर है, ये सेंट जेम्स का टॉपर है, ये श्री जैन विद्यालय का टॉपर है, एंड उसके बीच में आपको अपनी जगह बनानी है, एंड दैट बिकम्स क्वाइट अ टास्क। बट मेरे पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी था कि हो सकता है मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ अगर मैं ढंग से पढ़ाई करता हूँ। एंड धीरे धीरे आई मेड माई वे टू द सिस्टम, एंड अपने कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम अकाउंट्स का एग्जाम हुआ, तो मैं अपने पर्टिकुलर रूम में, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स भी थे, आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंटेंसी, एंड फॉर मी दैट वाज द पावर ऑफ होप। इन द मीन टाइम मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हुआ था, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से कॉलेज का एडमिशन रह जाना एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है। बट हमारे कॉलेज में उस समय एक होता था चक्कर कोटा, अगर आप रोज़ सुबह 5:30 बजे प्रिंसिपल को जाके अपना शक्ल दिखा दें एंड विनती करके, प्लीज़ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, मुझे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन चाहिए बीकॉम डिपार्टमेंट में। धीरे 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 30 दिन 35 दिन 40 दिन 45 दिन बाद फादर एक दिन बोलेंगे कि आ जाओ, जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, यू विल बी गिवन द एडमिशन, फेसबुक दिया जाएगा, बोले एडमिट। ये भी क्या पॉसिबिलिटी है, होप है, इसके बेसिस पे लोगों ने एडमिशन लिया, उसके बाद दे हैव डन वेल इन देयर प्रोफेशनल करियर्स, एंड सेंट जेवियर्स स्टैंड्स एज यू नो अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रांड ऑन देयर रेज्यूमेस। फास्ट फॉरवर्ड, अगर आप लेट्स से सीए कर रहे हैं, एंड लेट्स से गॉड फॉरबिड अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, ठीक है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से, बिकॉज मैंने प्रॉब्ली उस लेवल पे फेलियर कॉमर्स में कभी नहीं देखी, 11-12 में साइंस लेने के समय काफ़ी देखी थी। तो लेट से आप सीए कर रहे हो, आपका 4-5 अटेम्प्ट हो चुका है, आपको बहुत सारे डूमसेयर्स मिलेंगे जो फर्स्ट आपको ये बोलेंगे कि देखो भाई, अब अगर तुम कंटिन्यू भी करते हो ना, तुम्हें जॉब तो मिलने वाली नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग बोलेंगे कि भाई साहब, तुम मन लगा के पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ोगे तभी होगा। तीसरा, आपको एक जॉब करना है, जॉब करना मतलब जॉब के अलग चैलेंजेस है, जॉब नहीं करोगे तो फैमिली का घर खर्च कैसे चलेगा। दूसरी तरफ आपका ड्रीम है, आप उसको, यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दैट ड्रीम, तो जॉब में लेट से पॉलिटिक्स भी हो सकता है, लॉन्ग आवर्स भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, राइट, उसको साथ लेके इंसान चल रहा है। एंड द ओनली थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इज़
होप, एंड आप सीए बन जाएंगे, लेट्स से आप 6 बार में सीए बनते हैं, फॉर श्योर आपके लिए मार्केट में कोई पुल नहीं है. यू नॉट हैव रैंडम कंसल्टेंट्स कॉलिंग यू एंड से कि हाँ देर इज दिस वैकेंसी. यू विल हैव टू बी लाइक अ सेल्समैन आउट इन द मार्केट एंड सेल योर सीवी. बट व्हाट इज दी हार्म? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो नेक्स्ट 30 ईयर्स के अंदर आपको कोई डर नहीं होगा कि भाई अगर मेरा जॉब चला गया तो क्या होगा, अगर मुझे निकाल दिया गया तो क्या होगा. यू नो कि हाँ मेरे पास स्किल सेट्स है, मेरी कैपेबिलिटीज़ है. जब मैं सीए फ्रेशर भी था, 6 अटेम्प्ट में पास हुआ था, फिर भी मैंने एक नौकरी खोज ली थी अपने आप के लिए. एंड देखिए, सेकेंड जॉब में तो फर्स्ट जॉब मैटर करता है. हाउ यू हैंडल पीपल इन द फर्स्ट जॉब, आपने क्या स्किल सेट सीखी है, देन स्लोली स्लोली वो डाइल्यूट हो जाता है आपका अटेम्प्ट का मैटर. तो लेट्स से 5-7 ईयर्स डाउन द लाइन, इट बिकम्स इररेलेवेंट वेदर यू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और इन द सिक्स अटेम्प्ट. तो वो होपफुल होना, वो पॉसिबिलिटीज ऑफ होप के बारे में समझना, दैट एग्जैक्टली इज द नीड ऑफ द आर. एंड ये आपको अपने अंदर से लाना है. एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत बार नेगेटिविटी के लिए मन भागेगा कि अरे छोड़ देते हैं, लेट्स गिव अप, कुछ और कर लेते हैं. आई नो समवन जो इतना बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया था इस सीए एग्जाम्स देते देते कि उसको ये लगने लगा था कि मेरी लाइफ का रेलेवेंस ही क्या है. एंड वन स्ट्रोक ऑफ स्ट्रैटेजी, वन स्ट्रोक ऑफ लक, ही क्लियर्ड एग्जाम्स. एंड आज के डेट में आफ्टर मल्टीपल प्रमोशंस, उसका आप फंक्शनल रोल देख लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सैलरी देख लीजिए, इट्स कंपेयर टू द वंस जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किए हैं, उसका सैलरी उनसे ज़्यादा है. एंड ही इज़ लाइक, भैया अच्छा हुआ कि जो होना था वर्स्ट मेरे साथ हो चुका है, आप पॉजिटिव ही होगा. सो फ्रेंड्स, यही है पावर ऑफ होप. पावर ऑफ होप मतलब ये नहीं होता कि ये सोचना कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं. पावर ऑफ होप ये नहीं होता कि आंखें बंद करके बोलो हाँ सब कुछ आसान है, सब कुछ अच्छा है. यू नो दैट इट इज़ डिफिकल्ट, बट यू नो दैट इट इज़ पॉसिबल. एंड इवन इफ इट इज़ नॉट, यू आर गोइंग टू ट्राई योर बेस्ट, यू आर गोइंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम पीपल ऑन योर स्ट्रैटेजी कि हाँ हो सकते हैं कि यू आर डूइंग स्ट्रेटेजिकली सम ब्लंडर अगेन एंड अगेन, तब तो ऑब्वियसली आप फेल होते रहोगे. बट विद दैट पावरफुल पॉसिबिलिटीज कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँगा वन डे, यू विल. आई मीन अगर आपको संसार में भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच के भेजा होगा ना. सो फ्रेंड्स, आई विल रिएट्रेट द थिंग कि होप इज़ दी ओनली स्ट्रैटेजी. होप में बहुत पॉसिबिलिटीज होता है. अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है अपनी लाइफ के बारे में तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में या पर्सनल वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छा रहता है. अदरवाइज क्या है, वो नेगेटिविटी अपने अंदर कड़वाहट पैदा कर देगी. इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल. एंड दैट नेगेटिविटी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बी मोर सक्सेसफुल ऑल्सो. नेगेटिविटी, कड़वाहट, दैट्स अ बैड इमोशन. सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगा कि आप होपफुल रहें. जैसे मैं होपफुल हूँ कि लोग ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे. सो दैट्स माई शेयर ऑफ होप फ्रॉम दिस वीडियो. एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वीडियो देख के आप अपनी लाइफ में रीस्ट्रैटेजाइज करिए कि मैं कब कब नेगेटिव हो जाता हूँ, कब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू, मेरा आर्टिकलशिप नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल एक बिग फोर फर्म में, एक बहुत प्रीमियर फर्म में. तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन ऑफ होप? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड फील करवाते रहेंगे तो यू विल फाइंड कि हाँ भाई लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग बना देते हैं आसपास के लोग. तो यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.